हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हदी हियर। आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, और ये किंगडम प्लांटी का थर्ड लेक्चर है। हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। मॉस एक ब्रायोफाइटिक प्लांट है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम ऑफ लाइम नहीं होते। ठीक है, तो उनमें से हमने ग्रुप्स भी पढ़े थे, और सबसे जो मशहूर प्लांट है उसका आज हम लाइफ साइकिल आपको पढ़ाते हैं। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि एक प्लांट किस तरह किन किन स्टेजेस से गुजर कर अपना जनरेशन आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल में हम हमेशा दो तरह के जनरेशन की बात करते हैं, दो तरह के प्लांट की बात करते हैं। एक को कहते हैं गेमेटोफाइट जनरेशन या गेमेटोफाइट प्लांट, दूसरे को कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन या स्पोरोफाइट प्लांट। हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं, और ये जो दो प्लांट्स हैं इनके पास कोई लीफ या आप कह सकते हैं रूट्स नहीं है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है रूट्स नहीं है, रूट्स की जगह पे राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये जो दो प्लांट्स हैं इनमें से एक को आप समझ लें कि मेल प्लांट है, दूसरे को आप फीमेल प्लांट कंसीडर कर लें। वैसे बाज़ औकात एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, लेकिन इस केस में सेपरेट है। मेल प्लांट जिस पर अपना मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल प्लांट जिसका अपना फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो सेपरेट होंगे। अच्छा जी, नाम तो ये अगर मैं इसको कहूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फीमेल प्लांट है, और मैं इस प्लांट को गेमेटोफाइट का नाम देता हूँ। गेमेटोफाइट का मैं नाम देता हूँ। क्यों? चाहे ये प्लांट हो या ये प्लांट हो, ये भी गेमेटोफाइट प्लांट है, ये भी गेमेटोफाइट प्लांट, तो इसके साथ भी मैं लिखता हूँ गेमेटोफाइट। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसके साथ हम लोग लफ्ज यूज करेंगे मेल गेमेटोफाइट और ये फीमेल। क्यों इसको गेमेटोफाइट प्लांट कहते हैं? वो इसलिए कि इन प्लांट के अंदर आपको सेक्स ऑर्गन नजर आएगा। वो जो सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर मेल और फीमेल गेमीट्स बनेंगे, यानी कि मेल गेमीट स्पर्म, फीमेल गेमीट एग। और हमें पहले से पता है कि सेक्स ऑर्गन में जहाँ पर स्पर्म और एग बनता है, स्पर्म और अंडा जहाँ पर बनता है उसको कहते हैं सेक्स ऑर्गन। तो इधर जो सेक्स ऑर्गन है वो असल में गेमीट्स बना रहा होता है, गेमीट्स अंडा और स्पर्म को तो गेमीट्स कहते हैं। तो चूंकि वो गेमीट्स यहाँ पर बनते हैं इसीलिए ये प्लांट का नाम गेमेटोफाइट प्लांट हमने रखा। एक को आप मेल एक को आप फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट कहेंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ये जो आपका जो मेल गेमेटोफाइट प्लांट है इसके अंदर आपको मेल सेक्स ऑर्गन नजर आएगा। मेल सेक्स ऑर्गन आपको नजर आएगा यहाँ पर इसके अंदर आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके अंदर होगा, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंथ्रीडियम। ये नाम आपने याद रखना है कि मेल सेक्स ऑर्गन इम्प्लांट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। और रिमेंबर कि ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेंगे? एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पर बनेंगे। अब ये जो है ये सेक्स ऑर्गन है, इसके अंदर स्पर्म्स है। ये सारा का सारा कहाँ पर मौजूद है? ये सारा का सारा यहाँ पर मौजूद है। आप ये ना समझना कि ये कोई अलग स्ट्रक्चर है, ये
इस प्लांट के ऊपर मौजूद है। मैंने इसको यहां से उठा के आपको अलग सा दिखाया, अलग सा आपको दिखाया। सो अब सवा एक और चीज ये आपको बताता चलूं कि इसके अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, चले जनाब मैं यहां पर नाम देता हूं स्पर्म्स, ये जो स्पर्म है जो बन जाते हैं ये किस प्रोसेस से बनते हैं, ये है माइटोसिस के जरिए। आमतौर पर मियोसिस के जरिए स्पर्म बनते हैं, इनके सब एनिमल्स, लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ डिफरेंट है। वो क्यों? प्लांट में जो ये जो गेमेटोफाइट जनरेशन है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गेमेटोफाइट जो है वो हमेशा हैप्लाइड होता है। सो यहां पर मैं लिखता हूं कि ये जो दोनों आपके प्लांट है, दोनों दीज टू प्लांट्स आर हैप्लाइड, दे आर हैप्लाइड। और हैप्लाइट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जस्ट एक छोटा सा एन यूज करते हैं। हैप्लाइट का मतलब यह है कि इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ है, ठीक है, तो इनमें भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ है, इस भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ है। जब ये दोनों प्लांट्स हैप्लाइड है, आप इनके अंदर अगर मियोसिस करोगे तो वो हैप्लाइट का हैप्लाइड हो जाएगा, जो कि एक सूटेबल बात नहीं है। तो अगर ये पहले से ही हैप्लाइड है और अब आपको हैप्लाइड स्पर्म चाहिए तो फिर उसके लिए माइटोसिस ही ऑप्शन है, क्योंकि माइटोसिस क्रोमोसोम की तादाद को ना ज्यादा करते हैं ना कम करते हैं। तो ये अगर हैप्लाइड है तो हैप्लाइड स्पर्म ही आएंगे और ये माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल है। सो दिस इज वेरी समथिंग वेरी स्पेशल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे आस्क एंड दे थिंक अबाउट दिस कि व्हाई इट इज माइटोसिस, ठीक है। देन इसी तरह से अगर ये जो फीमेल प्लांट अगर आप देखें, फीमेल गेमेटोफाइट, इसके अंदर भी आपको सेक्स ऑर्गन नजर आएगा, लेकिन वो जो सेक्स ऑर्गन है वो भी इसी प्लांट के अंदर है और मैं उसको थोड़ा सा अलग करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे सेपरेट करके आपको दिखाऊंगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम। सो मर्जी आपकी है, आर्चिगोनियम कहें आर्किगोनियम कहें कोई मसला नहीं है, आर्चिगोनियम। और इनके इनके साइड पर कुछ बाल नमा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर भी लगे होते हैं, जिसको हम पैराफाइसिस भी कहते हैं, पैराफाइस तरह के बाल नमा, जो इस लेक्चर में इसकी जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को उसका नाम पता होना चाहिए कि स्टीराइल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटेक्टिव, दैट इज कॉल्ड पैराफाइसिस, पैराफाइसिस, ठीक है, पैराफाइसिस, स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सेक्स ऑर्गेन की प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगा, आर्चिगोनियम के अंदर एग पड़ा होगा, ठीक है, यहां पर एग पड़ा होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एग है ये डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा, तो आप मुझे यही वो करोगे, बताओगे कि ये इट इज हैप्लॉइड, बिकॉज ये जो प्लांट है ये हैप्लॉइड है, तो एग भी हैप्लॉइड होगा, स्पर्म भी हैप्लॉइड है, ठीक है, स्पर्म के साथ भी मैं यहां पर एन लिखूंगा, दोनों हैप्लॉइड है। अब क्या होगा, अगर अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा हो तो वहां पर मैंने कहा था कि जो जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स है उनको हम एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए। तो अभी देखो वाटर की मदद से, वाटर की मदद से इसका ये जो पर्दा है ये फट जाएगा, और वाटर की मदद से ये जितने भी स्पर्म्स हैं वो स्पर्म जो है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यानी ये जो आपका मेल प्लांट है यहाँ से स्पर्म जो है पानी की मदद से निकल जाएंगे, प्लांट को छोड़ देंगे, प्लांट से मूव करेंगे, इस प्लांट की तरफ आएगा। अब इस प्लांट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, आर्चिगोनियम, उसके अंदर अंडा है, तो इस आगे जाकर हम सिर्फ इसी प्लांट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका किरदार अब नहीं रहेगा। तो इस प्लांट के ऊपर चूंकि आर्चिगोनियम है, तो ये जो स्पर्म है ये इस आर्चिगोनियम में जो अंडा पड़ा हुआ है उस अंडे के साथ एक स्पर्म फ्यूज हो जाएगा, यानी होगा क्या, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हमें पता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, जब अंडा स्पर्म के साथ मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो अंडा स्पर्म के साथ मिल जाएगा, और यहाँ पर
हमारे पास इस बार जो स्ट्रक्चर बनेगा अंडास्पर्म की बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम है जाइगोट, ठीक है। अब जो जाइगोट है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू एंड लिखेंगे, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। अंडा हैप्लाइड, स्पर्म हैप्लाइड, दो हैप्लाइड चीजें मिलके डिप्लॉइड चीजें बनाएंगे, ठीक है। तो ये जाइगोट जो है ये आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट, ये आप समझे कि एक मुस्तकबिल का एक बच्चा है, ये जाइगोट आर्चिगोनियम के अंदर डेवलप हुआ है और ये आर्चिगोनियम सारा का सारा कहाँ पर पड़ा हुआ है, फीमेल जो प्लांट है इसके अंदर पड़ा हुआ है। हम फीमेल प्लांट को बार बार नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो टारगेटेड जगह है उसको बार बार लिख रहे हैं। ये सब कुछ इस फीमेल प्लांट के अंदर हो रहा है। तो वो जो जाइगोट है वो बच्चा आस्था से अपने आप को ग्रो अप करेगा। ग्रो अप करने के लिए, बच्चे को ग्रो अप करने के लिए हमें चाहिए एक और प्रोसेस जिसका नाम है माइटोसिस, ठीक है। ये माइटोसिस के जरिए ग्रो अप करेगा, इससे थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा और ये स्ट्रक्चर आगे जाकर और बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो ऐसा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो जो बच्चा है वो बड़ा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो दूसरा प्लांट आया, दूसरा बच्चा आया, ये एक, ये अभी भी गेमिटोफाइट प्लांट जो है ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये जो होगा इसका नाम होगा स्पोरोफाइट जनरेशन या स्पोरोफाइट प्लांट। इससे पहले आपने गेमिटोफाइट प्लांट का नाम सुना था, ये आ गया स्पोरोफाइट प्लांट। बिल्कुल एक नया प्लांट है, लेकिन ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसको खुराक चाहिए, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, ये सब के सब जो है वो इसको कहाँ से मिला है, गेमिटोफाइट से मिले। गेमिटोफाइट इसको खुराक दे रहा है, गेमिटोफाइट इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। सो, इस केस में डिपेंडेंट है आपका स्पोरोफाइट किसके ऊपर, गेमिटोफाइट के ऊपर। वैसे आगे जाकर आपको जो प्लांट नजर आएंगे उसको स्पोरोफाइट अलग, गेमिटोफाइट अलग, लेकिन उसमें स्पोरोफाइट जो होगा वो डोमिनेंट होगा, गेमिटोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं होगा। इस केस में आपका गेमिटोफाइट जो है पूरे ब्रायोफाइट्स का जो खानदान है उसमें ये वाले प्लांट डोमिनेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये प्लांट्स नजर आएंगे। वो आर्जी तौर पर छोटा सा नजर आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फीमेल गेमिटोफाइट प्लांट आपको नजर आएंगे। इसीलिए ब्रायोफाइट के साथ हम कहते हैं गेमिटोफाइट डोमिनेंट है, लेकिन जब आप आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रिकोफाइट में जाएंगे, वहां पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। तो वेरी सून हम वहां पर भी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ये जो स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट के अंदर आपको तीन स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। अभी मैं देखो, ये है वही मेल फीमेल प्लांट, और इस फीमेल प्लांट को अगर आप देखें तो ये जो फीमेल प्लांट है इसके ऊपर अब एक और जनरेशन बन गया है। वो जो जनरेशन है वो उसको आप स्पोरोफाइट कहेंगे, ठीक है। स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये जो आपको थैला नजर आ रहा है इसको आप स्पोरेन जीएम भी कह सकते हैं और इसको आप कैप्सूल भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पोरेन जीएम के अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स होंगे। और ये जो जगह है जहां पर ये गेमिटोफाइट के साथ अटैच है इसका नाम है फुट। बाद में जो डंडी नमा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड सीटा, फुट सीटा, और ये है कैप्सूल। तो ये पूरा जो रेड कलर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रेड कलर आप देख रहे हैं, ये है भाई स्पोरोफाइट, ठीक है। ये आपका स्पोरोफाइट प्लांट आ गया। अब स्पोरोफाइट प्लांट पूरा का पूरा क्या है, स्पोरोफाइट पूरा का पूरा डिप्लॉइड है। इसके अंदर क्या है, स्पोर्स है, स्पोर्स भी डिप्लॉइड है। स्पोर्स के अंदर प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा स्पोर्स के अंदर, स्पोर्स के अंदर प्रोसेस होगा, गौर से सुने, ये आपने याद रखा है, मीओसिस। एक माइटोसिस था, एक मीओसिस है। इनके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर मीओसिस होगा। मीओसिस वो सेल डिवीजन है जिससे क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। तो अब इससे क्या होगा कि स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स है वो उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, अब आप देख सकते हैं वो जो कैप्सूल है वो मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हैं, और इन स्पोर्स के अंदर मैं थोड़ा सा फिर से आपके लिख रहा हूँ, मी
ऑसिस हो जाएगा, ठीक है। इनके अंदर मियोसिस, जैसे मैंने आपको इधर बता दिया, स्पोर्स के अंदर जब मियोसिस हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्पोर्स मिल जाएंगे। ये जो स्पोर्स है, इसकी वजह से इस प्लांट का नाम स्पोरोफाइट रखा गया था। तो जो प्लांट स्पोर्स बनाता है स्पोरोफाइट, जो गैमेट्स बनाते हैं उसका नाम गैमेटोफाइट। तो ये जो स्पोर्स है यहाँ पर, अब आप देखिए ये स्पोर्स सारे के सारे क्या हो गए, हैप्लाइड हो गए। स्पोर्स अब हैप्लाइड हो गए, पता होना चाहिए कि डिप्लॉइड प्लांट से हैप्लाइड स्पोर कैसे बने, तो वो है मियोसिस। लाइफ साइकिल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों में नजर आ गया। अब ये जो स्पोर है जैसे छोटे से सूटेबल जगह पे गिरेंगे, वहाँ पर नमी होगी, वहाँ पर इनका रिक्वायरमेंट होंगे, तो ये जो स्पोर है ये ग्रो अप करना शुरू करेगा। शुरू शुरू में इन स्पोर से एक एल जी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इनसे एल जी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इस एल जी लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोनीमा। ये आपने याद रखना है कि स्पोर से जो एल जी नमा स्ट्रक्चर बनेगा, काफ़ी मल्टी सेलर होगा, इस तरह से एल जी टाइप का स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा, एल जी टाइप का स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। दिस शुरू शुरू में इसका नाम होगा प्रोटोनीमा, और ये ज़मीन से अपना खुराक हासिल करना शुरू करेगा। ज़मीन से खुराक हासिल करने के लिए इनके पास छोटे छोटे से बाल नमा स्ट्रक्चर भी आएंगे, छोटे छोटे से, जिसको आप रूट्स तो नहीं कह सकते हैं लेकिन आप उसको राइजॉइड्स ज़रूर कह सकते हैं। राइजॉइड्स वो स्ट्रक्चर है जिसे पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं, उसके पास वास्कुलर टिश्यू है ही नहीं, तो वहाँ पर राइजॉइड्स है। अब ये जो प्रोटोनीमा है, ये प्रोटोनीमा आगे जाकर अपने आप को ग्रो अप करके बिल्कुल एक नया ताज़ा फ्रेश प्लांट बनाएगा। ये आगे जाकर एक नया ताज़ा फ्रेश प्लांट बनाएगा। तो इसी तरह से आपने देखा सारा का सारा लाइफ साइकिल मुकम्मल हो गया, ठीक है। इसमें आप देखें गेमिटोफाइट प्लांट ने स्पोरोफाइट प्लांट बना के दिया, और स्पोरोफाइट ने गेमिटोफाइट बना दिया। वापस देखो, स्पोरोफाइट ने फिर से गेमिटोफाइट बना लिया। वो जो पहले शुरू में थे उसकी जिक्र आप नहीं करेंगे, ये अब नए दो नए प्लांट आ गए हमारे पास। सो स्पोरोफाइट ने बनाया, गेमिटोफाइट ने दिया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ने दिया गेमिटोफाइट। इस प्रोसेस को कहते अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द प्रोसेस इन विच गेमिटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गेमिटोफाइट। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आगे जाकर प्लांट के चैप्टर में जो जो लाइफ साइकिल मिलेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, और आप इंजॉय भी करोगे, और आपको आसानी से समझ भी आएगा, लेकिन इसका समझना काफ़ी लाजमी है। लेक्चर थोड़ा सा दोबारा रिपीट करते हैं आपके। आज हमने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में हमने देखा कि दो किस्म के जनरेशन है, एक है स्पोरोफाइट जनरेशन और एक है गेमिटोफाइट जनरेशन। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से ली, गेमिटोफाइट जनरेशन से, और यही जो गेमिटोफाइट है ये डोमिनेंट जनरेशन होता है, और यही गेमिटोफाइट हैप्लाइड होता है। गेमिटोफाइट प्लांट के अंदर माइटोसिस होके गेमिट्स बने। गेमिट्स कहाँ पर बने, खास किस्म के सेक्स ऑर्गन, एक का नाम है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है आर्चिगोनिया, और मेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे, आर्चिगोनिया के अंदर अंडा बनेगा। पानी की मदद से स्पोर्स स्पर्म जाएंगे, अंडे के साथ मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एक नया प्लांट बनेगा जिसका नाम है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स होंगे, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर होगा, फुट सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स मियोसिस के जरिए हैप्लाइड हो जाएंगे, और जब वो जमीन पे गिरेंगे तो उससे प्रोटोनीमा एलजी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और वो प्रोटोनीमा आगे जाकर फिर से दो नए प्लांट्स हमें देंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और साथ साथ अपना और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात, लास्ट एक और चीज़, लाइफ में आप जब भी आपको आपके जहन में क्वेश्चंस आ जाए कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या खाना पीना, जॉब, शादी, बंगला गाड़ी के अलावा मेरा कोई और भी पर्पज़ है या नहीं है, अगर आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो देर इज़ ओनली वन बुक, दैट इज़ कुरान। उसको पढ़ते रहेगा अच्छे अंदाज से, किसी अच्छे वेल जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आलिम होते हैं उनसे पढ़ने की कोशिश करें, खुद भी पढ़े, आपके जहन में जो सवाल आते हैं सब के सब के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही ख़त्म करते हैं, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय।